ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी यानी कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं इसको हम समझ लेते हैं। सबसे पहले आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जैसे हम और आप व्यक्ति हैं, वैसे कंपनी भी, कंपनी को भी एक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है, अकॉर्डिंग टू लॉ उसको भी एक व्यक्ति माना जाता है, और वो हम क्या बोलते हैं उसको, आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल यानी कि मैन मेड, यानी हमने जिसको बनाया वो आर्टिफिशियल होता है। Like a person, it can enter into a contract and may sue or shoot in its own name. यानी कि अगर मान लीजिए जो कंपनी है, कंपनी चूंकि एक सेपरेट व्यक्ति की उसको संज्ञा दी जाती है, तो वो अपने नाम से, ठीक है, अपने नाम से कोई संपत्ति खरीद सकता है, अपने नाम से कोई लोन ले सकता है, यानी कंपनी के नाम से आप बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं, कंपनी के नाम से संपत्ति परचेज कर सकते हैं, कंपनी के नाम से कहीं किसी बैंक से आप लोन उठा सकते हैं, कंपनी के नाम से परचेज होती है, कंपनी के नाम पे सेल होती है, यानी हर चीज़ कंपनी के नाम पे हो सकती है, क्योंकि वो अकॉर्डिंग टू लॉ एक लीगल एंटिटी माना जाता है। फिर अगला पॉइंट भी वही है, सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है। अ कंपनी हैज ए डिस्टिंक्ट एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एज स्टेटेड अबव, इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड मे सू और टू बी सूड इन इट्स ओन नेम। यानी कानूनी लड़ाई लड़ने की बात होगी तो कंपनी अपनी कानूनी लड़ाई खुद लड़ सकता है। सेपरेट लीगल एंटिटी होने का फिर से वही चीज़ें हैं सारी, कि अपने नाम से वो संपत्ति पर, कंपनी के नाम से आप संपत्ति खरीद सकते हैं, कंपनी के नाम से आप सब कुछ कर सकते हैं, बैंक में खाता खुलेगा, सब कुछ कंपनी के नाम से होगा। तीसरा है लिमिटेड लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे ऊपर यहाँ पे एक शब्द आपने देखा था अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यानी पार्टनरशिप अगर फर्म आप खोल रहे हैं तो वहाँ पे जो लाइबिलिटी होगी वो अनलिमिटेड होगी, यानी उसकी कोई सीमा नहीं है। जब तक आपका कर्जा चुका नहीं देते आप, तब तक वो एक एक पैसा पाई पाई आपको अपनी जेब से चुकाना पड़ सकता है। लेकिन कंपनी के केस में क्या होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अब इस चीज़ को यहाँ पे हम लोग ध्यान से समझेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी क्या चीज़ है। देखिए, द लाइबिलिटी लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड और गारंटी गिवन। तो देखिए, जब हम कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी के नाम से मार्केट में शेयर जारी होते हैं, यानी कंपनी, अभी उदाहरण से समझते हैं कि सपोज करके कि कुछ लोगों ने मिलकर कंपनी की स्थापना की, ठीक है। अब उन लोग के पास जो पैसा था वो लिमिटेड था, उन्होंने लिमिटेड पैसा लगाकर कंपनी अपनी स्टार्ट कर दी। अब कंपनी को एक्सटेंड करना है, ग्रो करना है, बढ़ाना है कंपनी को, तो और कैपिटल की आवश्यकता होती है कंपनियों में, ठीक है। तो कंपनी वो एक्स्ट्रा पैसा कहाँ से लाएगी, तो कंपनी क्या करती है, अपनी कंपनी के शेयर मार्केट में जारी करती है और पब्लिक उस शेयर को परचेज करती है, ठीक है। तो जिस भी कंपनी का शेयर पब्लिक परचेज कर रही है, तो जितना पब्लिक ने, मान लीजिए कि एक व्यक्ति है उसने कंपनी का 1000 रुपये का शेयर खरीदा है, तो उसकी लायबिलिटी, क्योंकि शेयर खरीदने का मतलब उस कंपनी में उसका 1000 रुपये के बराबर पोर्शन हिस्सा है, ठीक है। और उस, मान लीजिए जितने का उसने शेयर खरीदा है उतना उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट में से हिस्सा मिलने वाला है, यानी कि वो भी एक मालिक ही है कंपनी का, जिसके पास शेयर है वो कंपनी का ओनर माना जाता है, ठीक है। कितना ओनर का कितना परसेंटेज उसका होगा, तो जितना उसने शेयर में पैसा लगाया होगा उतना ही परसेंटेज उसको प्रॉफिट में भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंपनियों में क्या होता है, जो लायबिलिटी होती है वो डिफरेंट शेयर होल्डर्स के ऊपर होती है, और कितनी लायबिलिटी होती है, तो लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब क्या है कि जितने का उन्होंने शेयर खरीदा है बस उतनी ही लायबिलिटी होगी। जैसे सपोज करिए मैं फॉर एग्जांपल आईसी में एक फैकल्टी के तौर पे काम कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, किसी कंपनी का मैं शेयर खरीद लेता हूँ, तो अगर मैंने किसी कंपनी का शेयर परचेज कर लिया है, तो सपोज करिए मैंने 10,000 रुपये का उस कंपनी का शेयर परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो मेरी लायबिलिटी जो है, ठीक है, मेरा यूँ मान के चलिए मैंने कंपनी में 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया है एक तरह से, तो मेरी लायबिलिटी भी 10,000 के बराबर होगी। अगर कंपनी कल को डूब जाती है तो मेरा कितना पैसा डूबेगा, तो 10,000 रुपया डूबेगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा मेरा नहीं डूबेगा। हालांकि मैं कंपनी का एक ओनर हूँ, यानी कंपनी का मैंने अगर हिस्सा खरीदा है तो मैं कंपनी का ओनर हूँ एक तरह से, लेकिन कितने पोर्शन का ओनर हूँ, तो 10,000 रुपये का, या क्योंकि मैंने 10,000 रुपया ही बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो अगर मेरा डूबेगा तो कितना डूबेगा, सिर्फ 10,000 डूबेगा, उससे ज़्यादा, उसके ज़्यादा कोई मुझसे पैसा मांगने बिल्कुल नहीं आएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी, यानी कंपनी, जो कंपनी होती है उसकी लाइबिलिटी जो होती है लिमिटेड होती है। लिमिटेड का यहाँ मतलब एकदम क्लियर रहिए कि जितना मार्केट में उसने शेयर जारी किया है उतनी ही उसकी लाइबिलिटी होगी, यानी अगर कंपनी डूबती भी है
तो कहने का मतलब उसी पैसे से उसकी भरपाई होगी, उससे अलावा कोई एक्स्ट्रा पैसा किसी भी ओनर से नहीं मांगा जा सकता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब समझे होंगे। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो एकदम इसी समय पूछ लीजिए, क्योंकि ये थ्योरी का बैच है एक तरह से, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल तो है नहीं कि मैं बताता चाहूँ, आप लोग सुनते चले जाइए। तो अगर कुछ बीच में बात हो तो बिल्कुल बोलते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगला हेडिंग है वो है परपेचुअल सक्सेशन। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ इट्स मेंबर और डायरेक्टर्स एट इस हैज ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब समझ लीजिए कि इंसान पैदा होता है, फिर इंसान मर जाता है, ठीक है, उसकी कहानी वहीं पे क्लोज हो जाती है। लेकिन जो एक कंपनी होती है, यानी कंपनी की अगर स्थापना हुई है तो वो अनलिमिटेड समय तक चलेगी, यानी कोई उसका मेंबर, यानी कि जो कंपनी कौन चलाता है तो बोर्ड ऑफ मेंबर चलाते हैं, ठीक है। तो उस बोर्ड ऑफ मेंबर में कोई भी व्यक्ति अगर मर भी जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी अनवरत चलती रहेगी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो चेंज होते रहेंगे, लेकिन कंपनी एज यूजुअल चलती रहेगी, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन। फिर से एक बार देख लेते हैं, द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट। पहला शब्द है डेथ, यानी कोई मेंबर अगर मर भी जाएगा तो भी कंपनी चलती रहेगी। इंसॉल्वेंसी यानी कि दिवाली अगर कंपनी का निकलेगा, मान लीजिए कोई इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी कंपनी चलती रहेगी, या फिर कोई व्यक्ति यानी बोर्ड ऑफ मेंबर अगर रिटायरमेंट भी ले लेता है तो भी कंपनी एज यूजुअल चलती रहेगी। इट हैज़ ए सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, क्योंकि उसका कंपनी जो है, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, उसका एक अलग अपना अस्तित्व होता है, ठीक है। तो कंपनी अनवरत चलती रहेगी, वो किसी के आने या जाने से बाधित नहीं होगी। इट इज सेड मेंबर्स में कम मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज फॉर एवर। तो यहाँ पे एक कोट में दिया हुआ है कि मेंबर्स में कम, यानी कोई भी मेंबर है वो नए आते जाएंगे और जाते भी रहेंगे, फिर आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन कंपनी अनवरत चलती रहती है। तो ये है आपका परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट। द अफेयर ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय ए टीम ऑफ डायरेक्टर आल्सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। यानी कंपनियां किसके द्वारा संचालित होती है, कंपनी हालांकि सेपरेट एंटिटी है, ठीक है, लेकिन फिर भी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप से कोई डिसीजन तो ले नहीं सकता कंपनी। अब उसका डिसीजन कौन लेगा, कंपनी कौन ऑपरेट करेगा, कौन कंपनी को चलाएगा, तो किसी भी कंपनी को चलाने के लिए कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर चुना जाता है, ठीक है। तो सर्वे सर्वा वही होता है, वही कंपनी को संचालित करता है। और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, ये समझ लीजिए कि मेंबर होते हैं जो कंपनी के जो भी मान के चलिए डिसीजन होते हैं उसमें ये रोल प्ले करते हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। अब देखिए, ऊपर हमने एक छोटी सी कहानी सुनी थी शेयर होल्डर की, कि एक कंपनी जब मार्केट में शेयर जारी करती है तो उसके शेयर को पब्लिक परचेज करती है, तो पब्लिक जो है, पब्लिक के पास बहुत छोटे छोटे हिस्से होते हैं कंपनी के, ठीक है। कंपनी के छोटे छोटे हिस्से पूरी पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं एक तरह से, यानी जिसने जितना जिसकी हैसियत है उस हिसाब से वो कंपनी का शेयर परचेज करता होता है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन लोग होते हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में वो लोग होते हैं जिनके पास कंपनी के मैक्सिमम पोर्शन ऑफ शेयर होते हैं, वही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, द अफेयर ऑफ द कंपनी इज मैनेज्ड बाय द टीम ऑफ डायरेक्टर। यानी कंपनी की सारी चीजें कौन मैनेज करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैनेज करते हैं। दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स। यानी कंपनी के शेयर तो बहुत सारे मान लीजिए जारी हुए, लाखों पब्लिक ने मान लीजिए कंपनी के शेयर खरीदे हैं, लेकिन क्या हर कोई कंपनी में घुस जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, सारे लोग कंपनी के अंदर एंटर नहीं होंगे। कंपनी के अंदर कौन बैठेगा, तो जिसके पास मैक्सिमम पोर्शन ऑफ शेयर होगा, ठीक है, वो व्यक्ति जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में काउंट होगा। थस ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। यानी कि जो मैनेजमेंट होता है, यानी जो यहाँ से कंपनी ऑपरेट होती है और जिसका पैसा लगा है, दोनों अलग अलग है, पैसा तो पब्लिक का लगा हुआ है, लेकिन कंपनी संचालित उन्हीं में से कौन लोग करते हैं, जिनके पास मैक्सिमम शेयर होता है वो लोग कंपनी को संचालित करते हैं। बाकी जिनके पास छोटा पोर्शन है शेयर का, वो लोग अपना दूसरा काम करते हैं, उन्होंने सिर्फ कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। तो ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, यानी कंपनी की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ पे ये एक चित्र भी बना हुआ है जो कि आप देख सकते हैं। तो ये सारी कंपनी की विशेषताएं होती हैं किसी भी कंपनी की। चलिए नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे आपका जो टॉपिक आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी तरह की कंपनियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी गिनवा दूँ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या क्या विशेषताएं होती हैं कंपनी की, तो आपने देखा एक तो होता है कि कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब कंपनी का जो अस्तित्व है वो आर्टिफिशियल है, और बल्कि लॉ के द्वारा क्या ठहराया गया है, लीगल ठहराया गया, क्योंकि वो भी एक अलग हम लीगल उसको एंटिटी मानते हैं और लॉ भी मानता है। इसके अलावा सेपरेट लीगल एंटिटी, ये दोनों टॉपिक लगभग सेम है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब जो बिजनेसमैन है यानी कि जिसने कंपनी स्टार्ट की है वो अलग है, और जो कंपनी है वो अलग है अकॉर्डिंग टू लॉ। तीसरा पॉइंट था हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब जिस व्यक्ति ने जितना पैसा बिजनेस को लगाया उसकी लाइबिलिटी बस और बस उतनी ही है, उससे ज्यादा उसको 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। बल्कि जो सक्सेशन किसी के आने या जाने से कंपनी का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट मीन्स कि कंपनी में जिसका पैसा लगा होता है, तो कंपनी में पैसा लगा है मान लीजिए पब्लिक का, पब्लिक में कंपनी पैसा लगा है, और कंपनी संचालित कौन करता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संचालित करते हैं कंपनी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी पे। बहुत इंपॉर्टेंट कितने टाइप ऑफ कंपनी होती हैं, तो यहाँ पे ऊपर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। सबसे पहले टाइप ऑफ कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी में ऑन द बेसिस कितनी तरह से आप कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी कंपनी जो बनाई जाती है उस फॉर्मेशन के हिसाब से हम डिफाइन कर सकते हैं कंपनी को। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी यानी लाइबिलिटी के हिसाब से भी हम कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं। तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स के हिसाब से भी हम कंपनी को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो नीचे लिखे हुए हैं तो ये आपको आई थिंक दिखाई नहीं दे रहे होंगे, यहाँ पे सर ने गूगल क्रोम पे खुला तो मैक्सिमाइज भी नहीं होगा ये, या होगा एक सेकंड, यहाँ से होगा आई थिंक सर। थोड़ा सा मैक्सिमाइज हुआ तो बहुत ज्यादा हो गया, चलिए ठीक है अब सही है। अब आपको दिख रहा होगा आई थिंक स्क्रीन पे। टाइप्स ऑफ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, तो एक होता है स्टेटरी कंपनी और एक होता है रजिस्टर्ड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन यानी जिस तरीके से कंपनी फॉर्मेट और फॉर्मेशन होता है उसके हिसाब से कंपनियां दो तरह की होती हैं, एक होती है स्टेटरी कंपनी, एक होती है रजिस्टर्ड कंपनी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है लाइबिलिटी के हिसाब से अगर देखें तो लिमिटेड बाय शेयर्स, जो कि मैंने अभी एग्जांपल में आपको दिया कि अगर कंपनी के मार्केट में शेयर जारी है तो वो शेयर के हिसाब से लिमिटेड हो जाती है, यानी जिस व्यक्ति ने जितना शेयर लगाया होगा उसकी लायबिलिटी उतनी ही होगी। फिर दूसरा है आपका लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है इसको भी हम लोग समझेंगे टॉपिक जब आएगा तब। तीसरा है आपका अनलिमिटेड कंपनीज, ठीक तो ये पार्टनरशिप फॉर्म की बात होती है जहाँ पे अनलिमिटेड कंपनीज होती है। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मेंबर के हिसाब से अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी होती है, और 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतनी तरह की कंपनियां होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्टेटरी कंपनी की। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाई मीन्स ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेशन, एग्जाम्पल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये नाम आपने सुने होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, LIC का नाम आपने सुना होगा। तो ये क्या है, जो लोगों की पब्लिक की भलाई के लिए, ठीक है पार्लियामेंट में जिस एक्ट को पास करके बनाया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेटरी कंपनी। यानी यूँ समझ लीजिए पब्लिक की भलाई के लिए ऐसी कंपनीज का निर्माण होता है या ऐसी कंपनियाँ बनाई जाती हैं जो पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करती हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टेटरी कंपनी। सेकेंड है आपका रजिस्टर्ड कंपनी, बहुत इंपॉर्टेंट, रजिस्टर्ड कंपनी ये वही कंपनी है जहाँ पे आपको जॉब मिलने वाली है। ठीक है, तो कंपनी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर अर्लियर कंपनीज एक्ट, एग्जांपल टाटा मोटर्स लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ICA एडोस्किल, यहाँ पे आपकी जहाँ पे आप पढ़ते हैं इंस्टीट्यूट में वो भी इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कंपनी के अंतर्गत। इसके अलावा प्राइवेट लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड, यानी जितने भी कंपनियों का नाम आप सुनते हैं सारी की सारी कंपनियां क्या होती हैं, रजिस्टर्ड कंपनी होती है। नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय शेयर,
इसको हम पब्लिक कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज दिस टाइप ऑफ द कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम, इफ द शेयर आर फुली पेड नो फर्दर लाइबिलिटी अराइजेज ऑन देम, एग्जाम्पल विप्रो, ITC, बजाज ऑटो, ठीक है। ऐसी कंपनियां जो पब्लिक से पैसा उठाती हैं, ऐसे समझिए, ऐसी कंपनियां जो पब्लिक से पैसा उठाती हैं उनको क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी पब्लिक ने जितना पैसा उस कंपनी में लगाया है तो उस व्यक्ति की लाइबिलिटी बस उतनी ही है जितने का उसने शेयर परचेज किया हुआ है, उससे ज़्यादा उसको पैसा, अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है तो उससे ज़्यादा उसका पैसा नहीं डूबेगा, सिर्फ उतना ही डूबेगा जितना का उसने शेयर परचेज किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का क्या मतलब है, तो लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ गारंटी अंडरटेकन बाय देम टू द एसेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप, एग्जांपल इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन, ठीक है। देखिए इस तरह की कंपनी में क्या होता है कि एक गारंटर खड़ा हो जाता है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा दूँ कि इस तरह की कंपनी में मान लीजिए कोई व्यक्ति है या फिर कोई कंपनी है किसी अदर कंपनी की गारंटी ले लेती है कि अगर ये कंपनी डूबती है तो भैया पैसा मैं भरूंगा इसका, ठीक है। तो उस केस में वो कंपनी क्या है, गारंटी पे काम कर रही है, तो उस गारंटी के बिहाफ पे बैंक उसको लोन दे देती है, ठीक है। यानी बैंक से मान लीजिए लोन उठाता, बैंक से लोन लेने के लिए आपको कोई सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी या फिर कोई गारंटर दिखाना पड़ेगा। तो गारंटी कौन ले सकता है, जिसका अपना खुद का कोई अस्तित्व हो, यानी कोई बड़ी कंपनी है मान लीजिए उसका अच्छा खासा टर्नओवर है, अच्छा खासा अस्तित्व है, तो वो गारंटी ले सकता है। यानी कोई रिनोन्ड पर्सन हो या फिर कोई रिनोन्ड कंपनी हो वो किसी अदर कंपनी की गारंटी ले सकती है, राइट। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इस केस में ध्यान रखिएगा होगा क्या कि इस केस में अगर वो कंपनी डूबती है, ठीक है, और जितने भी उसकी लाइबिलिटी है यानी जितने भी उसके क्रेडिटर हैं या फिर जहां से उसने लोन लिया हुआ है, अगर कंपनी उस पैसे को नहीं भर पाती है तो जिसने भी उसकी गारंटी ली है उस कंपनी की, तो वो जो गारंटर है उसको ये सारा पैसा भरना पड़ेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट है आपका अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी पार्टनरशिप फॉर्म होती है, ठीक है। देखिए कंपनी नॉट हैविंग लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स, ईच मेंबर इज लाइबल फॉर द डेब्ट ऑफ द कंपनी इन प्रमोशन टू हिज इंटरेस्ट इन द कंपनी, द टाइप ऑफ कंपनी इज नॉट पॉपुलर इन इंडिया, एग्जाम्पल एमवे इंडिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ऐसी कंपनियां, ध्यान दीजिए, ऐसी कंपनियां जिसमें जो मेंबर्स होते हैं उसके, जो भी मान के चलिए उसमें मेंबर होंगे, जो उस कंपनी के मेंबर होंगे, अगर कंपनी के साथ कुछ भी होता है यानी कंपनी का पैसा डूबता है या कंपनी दिवालिया होती है, तो जो उसके मेंबर होंगे उन मेंबर्स को वो सारा पैसा भरना पड़ेगा। जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में आपने देखा कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ठीक है, उनका पैसा डूबेगा। यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 5,000 का शेयर खरीदा हुआ है और कंपनी दिवालिया होता है तो उस व्यक्ति का 5,000 रुपया डूब जाएगा, ठीक है। और कंपनियां अपना डेब्ट अगर भर नहीं पाएंगी तो उनको दिवालिया घोषित करके बंद कर दिया जाएगा, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। लेकिन अनलिमिटेड कंपनी अगर है तो एक एक पाई वसूल की जाएगी। किससे वसूल की जाएगी, जो कंपनी के मेंबर्स होंगे उनको ये सारा पैसा भरना पड़ेगा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अनलिमिटेड कंपनी। नेक्स्ट है आपका प्राइवेट लिमिटेड। और ये अनलिमिटेड कंपनी, इस तरह की कंपनी अपनी इंडिया में बहुत ही कम है, बल्कि ना के बराबर है। वैसे आपने ये एमवे का नाम जरूर सुना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अ कंपनी विच बाई इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर। याद रखिएगा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती हैं वो सबसे पहली चीज, जो कंपनी के शेयर होते हैं उसको मार्केट में पब्लिक को नहीं जारी कर सकती है, ठीक है। पहला पॉइंट, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर, यानी अपने शेयर जो है वो कंपनी जो है मार्केट में पब्लिक को जारी नहीं कर सकती। लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 50। अब यहाँ पे लिमिटेशन है कि इस तरह की कंपनियों में कितने मेंबर हो सकते हैं, यानी कितने लोग मिलके ये कंपनी संचालित कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिमिट है कितनी, 50 की, ठीक। तीसरा है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये ऊपर वाली बात फिर से नीचे लिखी हुई है कि जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ था कि जो शेयर है कंपनी के वो पब्लिक में ट्रांसफर नहीं हो सकते हैं, यानी पब्लिक उसमें पैसा नहीं लगा सकती कुल मिलाकर के। तीसरा पॉइंट भी वही है, प्रोहिबिट्स एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर ऑफ द कंपनी, यानी पब्लिक को आप कोई भी अपनी कंपनी के शेयर जारी नहीं कर सकते हैं।
क्योंकि इसका नाम ही क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी प्राइवेट का मतलब कि कुछ लोग मिल करके इस कंपनी को ऑपरेट कर सकते हैं, पब्लिक से पैसा इसमें नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2% टू फॉर्म ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की स्थापना करने के लिए, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए, दो व्यक्तियों से कोई भी कंपनी स्टार्ट हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। रिक्वायर्ड टू एड द वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरी बात, जो भी आप अपनी कंपनी का नाम रख रहे हैं उसके आगे आपको क्या लिखना है, प्राइवेट लिमिटेड, या इस तरह से पीवीटी लिमिटेड लिखना है अपनी कंपनी के नाम के आगे। एट द एंड ऑफ इट्स नेम, एग्जाम्पल गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओबेरॉय होटल्स प्राइवेट लिमिटेड, एडोब सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, नेक्स्ट आता है आपका पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जहाँ पे पैसा कौन लगाएगा, तो पैसा कंपनी जो है अपना मार्केट में शेयर जारी करेगी और पब्लिक से पैसा उठाएगी। ठीक है, टाइम लगभग अप हो गया, चलिए कोई नहीं, ये वाला हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अ कंपनी विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, एटलीस्ट 7% आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी। अभी ऊपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आपने पढ़ा कि मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है उसको स्टार्ट करने के लिए, 2 लोगों की आवश्यकता होती है मिनिमम, लेकिन यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी की स्थापना करने के लिए मिनिमम कितने लोगों की आवश्यकता है, 7 लोगों की आवश्यकता है। आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी, रिक्वायर्ड टू एड द वर्ड्स लिमिटेड, और ऐसी कंपनियों के आगे क्या लगा रहता है, लिमिटेड या LTD, एट द एंड ऑफ इट्स नेम, एग्जाम्पल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कोल इंडिया लिमिटेड, एयर इंडिया लिमिटेड, यानी उनके नाम के आगे क्या लगा होगा, लिमिटेड, और अगर प्राइवेट कंपनी होगी तो उसके नाम के आगे क्या लिखा होगा, प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा। और एक लास्ट है आपका, ठीक है, आज यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे, 1% कंपनी जिसको OPC बोलते हैं। इट इज सिमिलर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बट इट्स रिक्वायर्ड ओनली 1% टू फॉर्म, ऑल द प्रोविजन रिलेटेड टू द प्राइवेट कंपनी आर एप्लीकेबल टू एन 1% कंपनी। Required to add the word OPC at the end of its name, example Outsmart Service Private Limited, ठीक है, या Mega Skill Education Private Limited। तो जैसे private limited company होती है वैसे ही 1% company भी होती है, जो guidelines उसके लिए हैं same guidelines उनके लिए, बस दोनों में अंतर क्या होता है कि private limited company में minimum 2 लोगों की आवश्यकता है start करने के लिए, और 1% company में एक व्यक्ति भी company को start कर सकता है, company संचालित कर सकता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, OPC या 1% कंपनी। ठीक है,